देख भाई कितनी सुंदर छोरी हमारा इंटरव्यू ले रही है। आप चाहो तो हमसे इसमें इंटरव्यू भी कर सकते हैं। अच्छा यार मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। अनुपमा को थोड़ा हम रोते हुए दिखाएंगे जिससे ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे गालियाँ मिलेंगी। मुझे क्रेडिट मिला नहीं है लेकिन मैंने बिहाइंड द कैमरा बहुत काम किया है। मैंने स्पॉट का भी किया है। इतना इतना बोलते ढूंढे पार दो। इतने पिक्चर गणित इतना बोलते ढूंढे पार पिक्चर गणित ढूंढे पार दो क्या मतलब है इसका? ढूंढे पार दो मतलब छक्के उड़ा दो। ओके ढूंढे पार दो। हाय गाइस आई एम तोनाक्षी कालरा और अभी मैं बैठी हुई हूँ विद द कास्ट ऑफ द अपकमिंग फिल्म हरियाणा। और कास्ट के साथ साथ हमारे साथ फिलहाल बैठे हुए डायरेक्टर सर भी। सो डायरेक्टर से शुरुआत करते हैं। पहले संदीप जी पहले तो आप बताइए कि फिल्म का नाम हरियाणा क्यों रखा? हाय तोनाक्षी, फिल्म का नाम हरियाणा रखा क्योंकि ये जो फिल्म है ये पूरी दुनिया का एक आप समझ लीजिए एक झरोखा है जिससे वो हरियाणा को देख पाएंगे पूरे। ओके तो ये हमारी जो फिल्म है ये एक तरीके से हरियाणा दर्शन मिलेगा आपको इसके अंदर। हरियाणा के लोगों के बारे में जो भी आपकी विचारधारा है जो भी आपकी धारणा है अब तक वो सारी चेंज हो जाएगी क्योंकि अब तक आपको लगता है कि हरियाणा के जो लोग होते हैं वो थोड़े अकड़ होते हैं। सेब लेते हैं बहुत ज्यादा वो कहते हैं दूध दही खाते हैं और पहलवानी करते हैं और बहुत सारे मेडल्स लेके आते हैं इंडिया के लिए। वो तो करते ही है पर उसके अलावा उनका एक सॉफ्ट साइड जो है वो ये जो फिल्म है ये दर्शाती है। उनकी जो फनी साइड है हरियाणा का जो मजाक है आप हरियाणा में जाएंगे तो सच में तोनाक्षी आपका पेट दर्द हो जाएगा इतना हंसेंगे आप इतने मजाकिया लोग हैं वहाँ के। तो ये जो हमारी कहानी है हरियाणा को उस दिशा में लेके जाती है जहाँ पे आपको उनकी रोमांटिक लाइफ उनका मजाक करने का ढंग उनका ब्रदरहुड वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। ओके दैट्स व्हाई द नेम हरियाणा। ओके दैट्स गुड टू नो। यश आप बताइए आप बड़े भाई का किरदार प्ले कर रहे हैं इसके अंदर तो अब बड़ा भाई जो हमें ट्रेलर से दिख रहा है वो दिख रहा है बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत बोझ है कंधों पर और ऐसा चल रहा है तो रियल लाइफ में भी इस तरह के हो आप? रियल लाइफ में मैं छोटा हूँ। तो, लेकिन हाँ थोड़ा रिस्पॉन्सिबल तो मैं अपने आप को समझता ही हूँ ऐसा ऐसी बात नहीं वो तो आई थिंक सब समझते हैं खुद को बहुत रिस्पॉन्सिबल। हाँ मैं खुद के तौर पर खुद को समझता हूँ बाकी लोग क्या समझते हैं आई डोंट नो बट कोशिश करता हूँ कि जो जिम्मेदारी मिले तो उसको बखूबी पूरी तरह से पूरा करो। अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए इसके अंदर किस तरह का कैरेक्टर है? हाउ टू डिफाइन इट? नहीं इसका जो ये जो यश की जो असली पर्सनैलिटी है ना ये जो पूरा कैरेक्टर है वो उसी तरीके का है। यश जो है ये जितनी गंभीर से गंभीर बात होती है ना बहुत मजाकिया तौर पे बहुत ही लाइटली लेके उसको सॉल्व कर देता है। इसको कभी मैंने बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं देखा है लाइफ के अंदर। जितनी मर्जी गंभीर सिचुएशन होगी उसको बहुत ही मजाकिया ढंग से वैसे सॉल्व कर देगा। इसी तरीके से इस पूरी पिक्चर के अंदर भी अपने दोनों भाइयों की जिंदगी जो उनकी रोमांटिक लाइफ होती है उनको कोशिश करता है सॉल्व करने की उनको सपोर्ट करता है पर विद अ स्माइल। तो हरियाणवी आप सबने बोली है आई थिंक किस किस ने बोली है फिल्म में हरियाणवी या सभी ने बोली है? सभी ने बोली है। आती थी सबको या सीखी कुछ क्लासेस हुई? लड़कियों ने सिर्फ अपने डायलॉग याद किया हरियाणवी के अंदर। लड़के सारे हरियाणा के हैं तो उन्होंने पूरी पर हिंदी बस ऐसी हरियाणवी जो हर एक को समझ में आए। बट हरियाणवी ना थोड़ी वैसी लैंग्वेज होती है हाउ शुड आई से इट थोड़ी खड़ी बोली होती है। तो बोलो खड़ी बोली बोलो एक बार मुझे आती नहीं है ये मुझे आप सिखाओगे मैं भाई उसको बोल देते हैं खड़ी बोली कर देंगे। नहीं नहीं मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं क्या है हमने बड़ा इसको बस सिंपलीफाई करके बोला है एक समझ लीजिए कि डायलेक्ट के तरीके से इस्तेमाल किया ताकि सब सबको समझ में आए क्योंकि ये है तो हिंदी पिक्चर क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि पिक्चर जो है सिर्फ हरियाणा हरियाणा तक सीमित हो। हम हरियाणा को डाउन साउथ भी दिखाना चाहते हैं हम सभी लोग इसको समझें अच्छे से तो यही था तो कोशिश भी वही थी कि ऐसे शब्द का ना इस्तेमाल करें जो बहुत ही ठेठ हो जो किसी को समझ में नहीं आए। तो अगर ऐसा शब्द होता भी था तो बोले नहीं नहीं भाई टोंक रुक जाइए समझ में नहीं आएगा इसको ये कर लें क्योंकि अल्टीमेटली ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने बोला कि हिंदी फिल्म है तो उसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना भाषा तो बस लिंगो ही है ना ये हमारे जैसे अगर मैं अभी हरियाणवी में अगर आपसे बात करूं मैं हरियाणवी डायलेक्ट के साथ में पर वो होगा हिंदी के अंदर तो मैं ऐसे कहूंगा देख भाई कितनी सुंदर छोरी हमारा इंटरव्यू ले रही है अब बोले अब आप चाहो तो हम हां आप चाहो तो हमसे इसमें इंटरव्यू भी कर सकते हो। मुझे लेकिन आती नहीं मुझे वो सीखनी पड़ेगी एंड देन मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अच्छी तरह से डायलॉग भी पकड़ना है ना बहुत मुश्किल है ये किसी आउटसाइडर के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पूरी कास्ट जो हमने थी पूरी हरियाणा से चुनी है ताकि वो डायलेक्ट एकदम अच्छा सुनाई दे आपको। तो कुछ दिन पहले ऐसे कोई ट्रेनिंग वगैरह फिर भी शुरू कर दी थी कि बात हम इसी में करेंगे? जी नहीं नहीं आपको सबको पूरी कास्टिंग हमने हरियाणा से किया हरियाणा चुन चुन के आना लोग लिया उनकी वर्कशॉप हुई जो एक्टर्स जिन्होंने पहले कभी एक्टिंग नहीं की थी उन नॉन एक्टर्स थे कुछ उनको उनकी वर्कशॉप हुई कैमरे के सामने उनके बड़ी विचित्र उनको
चेहरे बनते थे कैमरे के सामने, तो उनको थोड़ा समझाया क्योंकि वो आप बात कर रहे हो कैमरे की तरफ देखते रहेंगे बार बार, तो उनको दिखा कि कैमरा भूल जाओ तुम। तो ऐसी चीजें बहुत वर्कशॉप्स हुई, 1.5-2 महीने तक वर्कशॉप चली। अच्छा, ताकि वो उस चीज में आ जाए फॉर्म में, राइट। आकर्षण आपसे बात करती हूँ और रॉबी पहले आपसे बात करते दोनों से, कि अब आप यंग एक्टर्स हैं, अब आप ऐसे वेटरन्स के साथ काम कर रहे थे जिनका पता है कि ये तो वन टेक एक्टर्स है, या मतलब एक कहीं ना कहीं वो चीज़ आ जाती है कि वो आप एक्सपीरियंस वो लेकर आ रहे हैं तो वो बहुत जल्दी चीज़ें हो जाती है, आपको वो कहीं ना कहीं प्रेशर फील होता था वाइल शूटिंग? नहीं, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। प्रेशर ये था कि बीच में ऐसा टाइम आया था जब हमें कुछ सीन्स थोड़ा जल्दी कर देते थे, तो वो प्रेशर था, अदरवाइज बहुत ही ईजी गोइंग शूट हुआ है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो बात सर भी कर रहे हैं कि हमारी वर्कशॉप हुई थी, तो प्रिपरेशन ऑलरेडी हम बॉम्बे से करके गए थे, हम सेट पे जाके इस चीज पे कम टाइम वेस्ट हो कि हम चीजें नहीं कर पा रहे। प्लस ये सर थे, सर है, सर ने बहुत ही तरीके से आराम से बैठ के सब कराया था, ऐसा कोई डिफिकल्टी हुई। प्रेशर जैसा आई थिंक प्रेशर नहीं था, अपने आप को खुद का रख लिया कि हम एक सीन कर रहे हैं, तो हमारे साथ सीन में कि कहीं ये सीन हमारे वजह से सीन खराब ना हो जाए, एक तो प्रेशर था भी और नहीं भी था कि उसको उनके साथ कर रहे हैं, प्रेशर से बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल नॉलेज बहुत बहुत जरूरी है, सिर्फ अपनी लाइन कह देना वो ही एक जो पीछे जो सीखा है पूरे सबका साथ देना वेरी इंपॉर्टेंट, दो एक्टर अश्लेषा आपसे बात करते हैं, तो जब मैंने आज सुबह अपने घर में बात करी कि ऐसे आज इंटरव्यू लेने जाना है और अश्लेषा जी से मिलना है, तो अच्छा एक क्वेश्चन है जो मैं पहले पूछ लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैं नहीं पूछूंगी तो मैं बाद में डांट खाने वाली हूँ, कि अब बरखा क्या करने वाली है अनुपमा और अनुज के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है मुझे लगता है अनुपमा के सारे फैंस का, मैं पूछ ही लेती हूँ आपसे। यार मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। प्लेटफॉर्म एक्चुअली बिमला का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ उसके बारे में बात कर रहे हैं, बट क्योंकि आपने इतने प्यार से पूछा है मैं अनुपमा के बारे में बात करूंगी और कहूंगी कि अगर वो ऐसा कुछ करेगी जिससे स्टोरी खत्म हो जाएगी तो फिर स्टोरी में मजा कहाँ रहेगा, तो जो भी वो करेगी उसका कहीं ना कहीं वो अनसक्सेसफुल होगी और कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा, फिर अनुपमा को थोड़ा हम रोते हुए दिखाएंगे जिससे ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे गालियां मिलेंगी, तो वो तो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जहां तक बरखा की सवाल है, तो वो बहुत एक बहन है, माँ है, तो फिर उसका बहुत रियल इमोशंस हैं, वो जो भी कर रही है शी इज डूइंग इट फॉर हर फैमिली, शी वांट्स हर हस्बैंड टू डू वेल इन लाइफ एंड दैट्स व्हाई शी इज डूइंग व्हाट शी इज डूइंग। तो ये तो रहा बरखा का। अब मैं इफ यू हैव एनीथिंग टू या या ऑफ कोर्स आई हैव, सो फ्रॉम बरखा टू बीबी बिमला कैरेक्टर का नाम है मेरा हरियाणा में, और ये गाँव की एक लड़की है जो पढ़ना चाहती है, सीखना चाहती है, बच्ची टाइप की भी है, थोड़े मूवमेंट्स दिखाए उसके भाई के साथ खेलती है थोड़ा, वो भी दिखाया तो काफी रियल स्पेस में भी है, और जब क्या होता है जब उसको एक्चुअली वो जब वो एक ऐसे इंसान के साथ शादी करना चाहती है जिससे वो प्यार करती है, उसको अपना हमसफर बना के रखना चाहती है, एक इक्वल रिलेशनशिप चाहती है, और यहाँ पे आते हैं महेंद्र जी जो उनको मिलते हैं, और उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं कि प्यार कैसे करते हैं, तो जब वो उनसे पूछती है कि अगर हमने शादी की और हमें प्यार नहीं हुआ तो क्या, तो वो देख के सोचते हैं ये क्या बात बोल रही है, समझ में ही नहीं आई ना बात, लट मार मतलब। तो ये मेरा कैरेक्टर है इस पिक्चर में। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल इसको करने का? बहुत ज्यादा सुंदर एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा रहा, मैंने बहुत साल टेलीविजन किया है, बहुत साल टेलीविजन करके मुझे एक दूसरे कैनवस एक दूसरे मीडियम की तलाश थी, आई थिंक एक एक्टर की तलाश किरदार के लिए कभी खत्म नहीं होगी और वो कभी खत्म होनी भी नहीं चाहिए, तो मुझे ये मौका मिला कि जैसे जोगी सर हमारे कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने मुझे फोन जब मुझे बताया कि वो मुझे कास्ट करे इस पिक्चर के लिए, तो मैं एक बहुत छोटी
स्टोरी बताना चाहूंगी, मेरी कास्टिंग इस पिक्चर में अगर हुई है तो वो यश सर की वजह से हुई है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि ये बिमला का रोल निभा सकती है, इसको ले लो, क्योंकि बहुत सारे ऑडिशंस किए यश सर ने, बहुत अलग अलग एक्ट्रेसेस के साथ। और वी आर फ्रेंड्स एक्चुअली, वी आर फ्रेंड्स लाइक नो, वी ऑल लाइक नो। तो अश्लेषा व्हेन शी वाज देयर, जब ऑडिशन चल रहे थे बिमला के करके चल रहे थे, तो हमको लुक नहीं मिल रहा था वो ठीक ठाक, तो अश्लेषा कुछ वो काम कर रही थी, वो लैपटॉप पे काम करके ना वो सीन निकाल देती है वो किसी जो नेक्स्ट एक्ट्रेस आने वाली थी उसको देने के लिए। तब इसने कहा कि ये इसको कास्ट क्यों नहीं करते हैं अश्लेषा को। और क्या उस दिन सूट और सूट पहन के आई हुई थी, मत चुन्नी सर पे डाली हुई थी, तो कहीं ना कहीं बिमला का कैरेक्टर जो था, और ये देख रही थी मुझे, मैंने बोला भाई इसकी फोटो खींचो, मैंने बोला फोटो खींच के देख लो, या तो ऐसी चाहिए या इसी को कास्ट करो। फिर जोगी सर को बताया उन्होंने कि सर ऐसे बोल रहे हैं, जोगी सर ने, पर हम कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते रहे। तो हमारे जो भी मलंग के इतने सीनियर कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो उनको जब बताया तो उन्होंने बोला कि हां तो एक ऑडिशन करते हैं उनका। फिर ऑडिशन किया, फिर दूसरा ऑडिशन होने, फिर ऑडिशन करने के बाद में फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ मेरा। जो हर एक्टर पूछता है। मैंने कहा फिर मैंने कास्टिंग अपने उनके जोगी भाई को फोन किया, मैंने कहा कि क्या हुआ उसका। तो उन्होंने कहा कि उसको बोलो कि एक और ऑडिशन करे और एक और सीन का ऑडिशन करे, अभी तक आई एम नॉट एबल टू मेक अप माय माइंड। मुझे ये पिक्चर मिली और ऐसी पिक्चर मिली है जहाँ पे इतने बहुत ही दिग्गज लोग हैं जिन्होंने, आप अगर कहेंगे वो यंग है, इनएक्सपीरियंस है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। उनका काम देख के, उनके सीन्स देख के, इनफैक्ट हम दोनों की कहानी इतनी सुंदर है, वैसे ही रॉबी और मोनिका की कहानी इतनी सुंदर है, इनकी और इनकी जर्नी जो दिखाई है वो इतनी सुंदर है, बहुत ही इंटरवोवन ब्यूटीफुली। फुल क्रेडिट गोज टू संदीप बसवाना फॉर राइटिंग सच अ ब्यूटीफुल। मोनिका, आपकी कास्टिंग कैसे हुई यहाँ? क्योंकि योगी सर ही पूरी फिल्म का कास्टिंग कर रहे हैं, तो उनका ही मेरे पास कॉल आया था एक दिन, और मुझे वो बहुत पसंद है, वो एक्टिंग भी सिखाते हैं, वर्कशॉप भी देते हैं, तो मुझे ये पता था अगर इनका कॉल आया है तो जरूर कोई अच्छा प्रोजेक्ट होगा। तभी मेरे मन में था कि अगर हो गया तो आई नॉट से नो, आई डू इट। जो स्क्रिप्ट मुझे दी थी वो मेरे कैरेक्टर की नहीं थी, वो दूसरे कैरेक्टर की थी, और उसका एक अच्छा खासा सीन था, अच्छा खासा डायलॉग था, जिससे मुझे जस्ट पता चल रहा था कि किस तरीके से शूट होने वाला है, और थोड़ा रूलर टाइप का दिखाएंगे एरिया। और मुझे ना एक्चुअली बड़ा मजा आता है रूलर या फिर ऐसे रियलिस्टिक कहानी करने में, क्योंकि ग्लैम कर लो और थोड़ा ओवर द टॉप चीजें कर लो तो ठीक है, कर लेते हैं, हर घर कोई हर तरीके की चीजें करता है, बट मुझे मजा आता है अपने आप को थोड़ा अलग टाइप से दिखाने में। तो जब मैंने ऑडिशन दिया तभी मैं समझ गई थी कि ये एक्चुअली में बहुत अच्छी कहानी होने वाली है, बहुत रिलेटेबल होने वाली है। सो आलिया भट्ट का फैन कौन है यहाँ पे? अभी एक एक का हाथ मेरे को लगता है खुद ही खड़े हो जाएंगे। प्यार उसको है, मैं वही बोल रही थी, ये तो खड़े ही हो जाएंगे, मुझे बोलने की हाँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। और अब तो एक और न्यूज भी आ गई है, तो उसके बाद तो और भी ज्यादा दुख हुआ होगा। क्या ही करूं, अरे बॉम्बे नहीं, कई बार भाग जाता है इस बार। So, आलिया भट्ट के फैन आप रियल में भी हो? फिल्म में तो आप दिख ही रहे हो कि बहुत दीवानगी है उनको लेकर। मेरी सीरियसली यार, वो सिर्फ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है इस पे। हाँ। ऑलरेडी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और उनका जो मुझे मेरी फेवरेट फिल्म में से उनकी फिल्म जो अपने इम्तियाज अली जी के साथ है, हाईवे थी, राइट? आई लव हर वर्क इन दैट। या और मैं क्या बोलूं उनके लिए, वो बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, और वो इतनी खूबसूरती से अपनी इनोसेंस को इस तरह पोर्ट्रे करती है, वो मुझे बहुत पसंद है। मैंने वो जब मैंने उनसे कोशिश की कि एज जुगनू मैं उनसे और प्यार फील करूं, तो मैंने उनकी उस इनोसेंस को ही ढूंढने की कोशिश की थी गानों में, उनके उनकी और फिल्म्स देख देख के। तो वो प्यार भी उनके थ्रू ही मिला है मुझे, मतलब जो मैं कर पाया। Well, that becomes very easy, like, you know, for a director, कि अगर आपका जो कैरेक्टर है उसको आलिया भट्ट दिखाए कि आलिया भट्ट से प्यार है, उनको असल में भी उनको असल में भी प्यार है, तो वो फोटो देख कैसे करते बहुत जेन्युइन लगता है वो। सोचते हैं कि मैं तो ये रोज करता हूँ, क्या नया है मेरे लिए। तो जब इतनी बड़ी कास्ट होती है, और जितना मैं आप लोगों को इस टाइम देख पा रही हूँ और समझ पा रही हूँ, मुझे लगता है कि सेट पर मस्ती तो बहुत हुई है। तो कोई किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें अपने व्यूअर्स से कि
कुछ ऐसा किस्सा हुआ जो आपको हमेशा याद रहेगा और बहुत हंसे आप लोग उस चीज को? देखिए मेरे साथ, मैं पहले इसलिए बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं, मुझे क्रेडिट मिला नहीं है, लेकिन मैंने बिहाइंड द कैमरा बहुत काम किया है. मैंने स्पॉट का भी किया, और मैंने कास्टिंग भी किया. जैसे मोनिका की कास्टिंग में मेरा बहुत बड़ा हाथ है. मैंने बहुत बोला कि नहीं, मुझे बहुत सुंदर लड़की है, इसको तो लेना ही चाहिए, बहुत सुंदर लड़की है. तो ऐसे में सब जगह घुसती रहती थी. अब मैं हर डिपार्टमेंट में जाके गॉसिप कलेक्ट करती थी, हर डिपार्टमेंट में जाके बताती थी कि मैं तुम्हारी सगी हूँ, फिर यहाँ की बात वहाँ करती हूँ. क्या राज खुला है यहाँ पर, मजा आ गया. वो भी खुद ने खोल दिया. बड़े खुश होते रहे बता के कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ. उसके बाद दूसरे को जाकर बताओ, वो तो बोल रहे हैं ऐसा हुआ है. No, but seriously, आप लोगों से मिलके ऐसा लग रहा है कि कोई परिवार बैठा हुआ है और मैं जस्ट ऐसे गप्पे मार रही हूँ बैठकर यहाँ पे. वो मुझे इंटरव्यू वाली फीलिंग आ नहीं रही है. Great camaraderie, and we had a lot of fun together, yes. And it became very easy because we were shooting in like, it was very cold also at night, and थोड़े लोकेशन बहुत दूर थे सेट से, और थोड़े ऑड आवर्स होते हैं, देर तक शूट करा. And because we were all very close, so we all stood by each other. सबने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करके ना वो शूटिंग बहुत आसान बना दी. So, अब वीडियो एंड करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ आप हरियाणवी में बोले सब मिलकर, क्योंकि मेरी तो थोड़ी पुअर है, बट मैं पीछे पीछे कोशिश करूंगी कुछ बोलने की. इतना कह दो कि इसी के साथ थैंक यू सो मच, और बहुत मजा आया आप लोगों से मिलकर. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.